कैसा सिला दिया प्यार का। पद मिल जाने से शाब्दिक मर्यादा नहीं बढ़ जाती है, या कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया गलत है। देखिए अब इस संबंध में तो प्रशासनिक पक्ष ही जानकारी दे सकता है, किसान सलाहकार हम लोग है ना। और वैसी स्थिति में जब केंद्र सरकार के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज की घोषणा की थी वह भी उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो लोगों को जो जन्म देता है धैर्य रखना चाहिए। सच सच होता है, पगड़ी बांधने से सच को झूठ नहीं ठहराया जा सकता। भाई आपने सदन के अंदर में गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया, यही इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नवोदित जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांग गए। अपने तो अकृत किया ऐसा, आज पार्टी को शर्मसार होना पड़ा ना, आपकी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। कैसा सिला दिया प्यार का, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता बनाया, और पार्टी को यह कहना पड़ा कि यह जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो मुंह से निकल गया गलत है, यह सीखने की जरूरत है। पद मिल जाने से शाब्दिक मर्यादा नहीं बढ़ जाती है, सम्मान नहीं बढ़ता है। जब आप पद प्राप्त किए हैं तो विनम्र बनिए, पगड़ी अगर बांध लीजिएगा तो उससे भाषाई रूप से कटुता आएगी, और वह कटुता का प्रकटीकरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी इसकी पीड़ा व्यक्त की। यह है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके द्वारा किए गए कृत्य के लिए भाजपा के माननीय विधान पार्षदों को अपनी बात सदन में कहना पड़ा। ये तो भाजपा ही आत्मन नहीं करे सम्राट चौधरी की, मुख्यमंत्री जी हम उनको इशारा किए, हम उनको गए हैं कि जब तक पगड़ी खोलेंगे तब एक जब सीएम को हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे। इतनी भी जानकारी नहीं अगर है, वो लगता है कि एक पीढ़ी को तो मुख्यमंत्री जी बनाए थे एमपी, और दूसरे को राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। उनको यह भी जानकारी नहीं है कि सदन में जब बैठे हुए आप रहते हैं और कोई बात जब बोली जाती है तो वह सदन के प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है। अब इतना भी जानकारी नहीं है अब तो इसका मतलब तो हम तो समझते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद इनको पढ़ाना चाहिए ठीक से भाजपा को। आरएसएस में हाफ पैंट पहना के लाठी उठी भंजवावे तो दिमाग गया है गड़बड़ा।